प्यारे मित्रों, दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट तथा रघुवंशी इतिहास वाले रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विजयनगर राज्य के मध्यकाल में है। विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? चार वंश इसमें दिखाया जा रहा है। तो विजयनगर ये मध्यकालीन, विजयनगर और बहमनी राज्य जो है ना मध्यकाल में साउथ इंडिया में आया हुआ। संगम वंश में दो शासक थे, हरिहर एवं बुक्का। याद रखिए, संगम वंश के थे हरिहर एवं बुक्का। 1336 में दक्षिण भारत हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना किए थे। ये हिंदू राज बहमनी जो आ रहा आगे ना, ये मुसलमान राज्य था, ये हिंदू राज्य है। तो ये संगम वंश के थे हरिहर एवं बुक्का। 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर का धर्म शैव था, शिव को मानते थे, किंतु पूरे विजयनगर में एक राजा ऐसा था जो वैष्णव धर्म को मानता था, कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म को मानता था। कृष्णदेव राय का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था तेलुगु साहित्य में, तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय किया था। कृष्णदेव राय के काल को न तेलुगु साहित्य की दृष्टि से क्लासिकल युग भी, स्वर्णिम युग भी कहा गया है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, देख रहे हैं सामने दिख रहा है, मुस्लिम राज्य है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू भी नाम रहा है, यही है ए नंबर। अलाउद्दीन बहमन दक्षिण भारत में पड़ता है। अलाउद्दीन बहमन शाह जफर खां अर्थात हसन गंगू भी हम नाम दे सकते हैं इसको। यही मुसलमान राज्य बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, और बहमनी राज्य का अंतिम शासक कई बार आएगा कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। आगे लेकर चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा आपका, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका कि पानीपत, ये है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल बादशाह बाबर मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ना, 21 अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध में बाबर भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। भारत का पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी जो लड़ता हुआ रण क्षेत्र में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर प्रत्येक काबुलवासियों को, अफगानिस्तान में पड़ता है, प्रत्येक काबुलवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। इसीलिए बाबर को कलंदर कहा गया था ये क्या देख रहे हैं यहाँ, क्या दिखा है? हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? अरे हुमायूं ना बाबर की पुत्री, देख रहे हैं हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? बाबर की पुत्री गुलबदन थी। हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की थी
हुमायूं, यहाँ देख रहे हैं ये आपका उत्तर, ये गुलबदन बेगम यानी हुमायूं नामा, हुमायूं नामा आपका दो भागों में दिखाया गया है। हुमायूं नामा को दो पार्ट कर दिया गया था, पहले पार्ट में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास आया हुआ, ठीक ना, गुलबदन बेगम याद रखिए। और यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ दिखाया कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष थी, तो आप देखोगे ना 13 वर्ष की उस समय थी। ये देख रहे हैं उत्तर तो आया आपका 13 वर्ष, क्या कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो 1556 में ही राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ, पंजाब के कालानौर में, पंजाब के कालानौर में, इसका किसके बैरम संरक्षक बैरम खां के देख रेख में 13 वर्ष की अवस्था में। देख रहे हैं 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था, 1556 पंजाब के कालानौर में संरक्षक बैरम खां के देख रेख में राज्याभिषेक हुआ था, 1605 में पेचिस के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आया है कि दीन, बीच में इलाही भी होना चाहिए, दीन इलाही धर, दीन इलाही को कौन आरंभ किया था, क्या उद्देश्य था, कौन आरंभ किया, क्या उद्देश्य था, तो दीन इलाही को अकबर आरंभ किया था, अकबर जाने कि दीन इलाही अकबर आरंभ किया था, और इस दीन इलाही का उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन आरंभ किया, कितने में आरंभ किया था, 1582 में अकबर दीन इलाही को आरंभ किया था, विश्व बंधुत्व इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल चित्रकारी, देख रहे हैं मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में, पराकाष्ठा, ये जो मास्टा लिखा है ना, काष्ठा होना चाहिए, पराकाष्ठा का मतलब अपने चरम पर, तो हम बताए पहले, तो जो जहांगीर था ना, जहांगीर के काल को चित्रकला के दृष्टि, देख रहे हैं जहांगीर के काल को चित्रकला के दृष्टि से स्वर्ण काल माना गया है, उसी को पराकाष्ठा, देख रहे हैं चरम पर था जहांगीर, चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी विशेषज्ञ था, इसलिए इसका उत्तर आप लोगों का है जहांगीर। आगे हम लेकर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपका आया है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, बनवाया था। शाहजहां के काल को सुन लीजिए, शाहजहां के काल को वास्तुकला स्थापत्य कला के दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया था। दो इमारतें आगरा में, देख रहे हैं दो दिल्ली में हैं, यहाँ से निकाल लीजिएगा, ताजमहल आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, उत्तर मिल रहा है, जामा मस्जिद दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया था। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कर, शाहजहां किस शहर में मोती मस्जिद, तो शाहजहां आगरा में कराया था, इसका पुत्र औरंगजेब दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आया है, भारत में बीबी का मकबरा, भारत में बीबी का मकबरा कौन, देख रहे हैं बता देते हैं कि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब अपनी बीवी रबिया दोरानी के याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा निर्माण कराया था,
इसी बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल की भी संज्ञा दी गई है। कहाँ देख रहे मिल रहा है ना, भी है आपका उत्तर महाराष्ट्र की औरंगाबाद में। औरंगजेब अपनी बीबी रबिया दुरानी के याद में मकबरा, इसी बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा गया है। द्वितीय ताजमहल आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा अगला आया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में एक रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। हम बता दे रहे हैं हुमायूं और अकबर के मध्य सूर वंश का एक शासक आ गया था शेर शाह सूरी। क्या किया था ना, करेंसी में भी सुधार कराया था, बहुत सारा सुधार रहा है, राजस्व में सुधार आया है और सारी चीज़ें थी। तो सोने के सिक्के को अशरफ कहा गया, चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया, तांबे के सिक्के को दाम कहा गया था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक रुपये का सिक्का सोने चांदी का सिक्का, ये देख रहे ये सोने के सिक्के को अशरफ, चांदी के सिक्के को रुपया का नाम दिया गया था। देख रहे हैं चांदी के सिक्के को एक रुपया का नाम दिया, शेरशाह सूरी है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध का पद, गुरिल्ला का मतलब छापा मारे का मतलब, ये जो गुरिल्ला युद्ध होता था ना, ये आमने सामने नहीं होता था, ये लोग पहाड़ियों में छिपे रहते थे, मौका पा करके निकले लूटे पाटे और चल देते थे। गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध कौन था, छत्रपति शिवाजी। इसमें देख रहे हैं कहे शिवाजी, ये देख रहे हैं गुरिल्ला युद्ध शिवाजी द्वारा लाया गया था। गुरिल्ला युद्ध आपका शिवाजी द्वारा लाया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, ये देख रहे हैं भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, किंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना गया, कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना गया है, क्योंकि मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, इसीलिए गुलाम वंश का पहला शासक यही गुलाम वंश का संस्थापक भी माना गया है। इसकी राजधानी, ये अपनी राजधानी लाहौर में प्रारंभ से अंत तक इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श लाखों को देने वाला उपाधि मिली है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही राजस्थान के अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान का खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे लेके निकलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था, ये देख रहे हैं नालंदा। अब देख अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का दास कह लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण, हाँ ठीक है यही बख्तियार खिलजी था, यानी मुसलमान कह लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार में ही विक्रम विश्वविद्यालय को तहस नहस कौन, मुसलमान बख्तियार खिलजी ये देख रहे कर दिया था। ठीक है आगे लेकर के चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी
भारत में प्रथम आक्रमणकारी प्रथम मुसल यहाँ आना चाहिए कि भारत में प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी देख रहे हैं मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी। मुहम्मद बिन कासिम क्या किया था जानते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। दाहिर पराजित हो गया, दाहिर की हत्या कर दी गई थी। मुहम्मद बिन कासिम ही पहला मुसलमान शासक अरब का था, अरबी था, जो सिंध वासियों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था। आगे बढ़े, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? बताए थे ना, लाहौर में। लाहौर में प्रारंभ से अंत तक इसकी राजधानी लाहौर थी, याद रखिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। देख रहे हैं यहाँ दिख रहा है, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा गया है। इल्तुतमिश ही पहली बार लाहौर से दिल्ली में राजधानी स्थापित किया था, और भारत में पहली बार चांदी का शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। चांदी के सिक्का को टंका तथा तांबा के सिक्का को जीतल कहा गया, बदायूं है इसमें। आगे बढ़ गए हम लोग, 17 अमीर खुसरो किसका दरबार अभी बता के आ रहे हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, बता करके आए हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता था, तबला का प्रचलन किया था, सितार का आविष्कार किया था, हिंदी तथा फारसी भाषा का ज्ञाता था। आगे 18 नंबर, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किस, दीवाने अर्ज का गठन बलबन किया था, ढूंढ लीजिए। सेना से संबंधित था, सेना ये बलबन दीवाने अर्ज नामक, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज ये बलबन था, तो बलबन द्वारा दीवाने, बलबन के बारे में जान रहे हैं। बलबन लव एवं रक्त की नीति को तलवार के बल पर शासन को अपनाया था, और पारसी धर्म में मनाया जाने वाला नवरोज त्योहार को भी बलबन अपने राज दरबार में आरंभ किया, इसका आपको बलबन है। आगे बढ़ गए हम लोग, 19 नंबर पे पहुंच रहे हैं। किस सल्तनत काल में, यहाँ डाक व्यवस्था होनी चाहिए कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण, डाक दिखा दीजिएगा यहाँ पर, डाक व्यवस्था का, डाक व्यवस्था का विस्तृत, ये दिख रहे हैं, इसको डाक व्यवस्था का विस्तृत, ये इब्न बतूता, इब्न यहाँ तो भी इब्न बतूता आपका होगा, ठीक है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री था, किसके दरबार में, मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। रेहला नामक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया था मुहम्मद बिन तुगलक, जो सोने का सिक्का चलवाया था ना, उसे इब्न बतूता दीनार कहा था। इब्न बतूता को मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, जौनपुर नगर की जौनपुर की स्थापना किसके याद में, फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मुहम्मद बिन तुगलक के याद में, देख रहे हैं, स्मृति में स्थापित किया गया था मुहम्मद बिन तुगलक, इस देख रहे मुहम्मद बिन तुगलक के, मुहम्मद बिन तुगलक के याद में, इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना किया था, जौनपुर नगर को बसाया गया था। शिक्षा एवं कला में आगे होने के कारण
जौनपुर को भारत का सिराज, पूर्व का सिराज कहा गया है। आगे बढ़े, क्या कहा जा रहा है देख रहे हैं, किस में से किस, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम नियुक्त किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक गुलामों का बड़ा शौकीन था, गुलामों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना कराया था। फिरोज शाह तुगलक ढूंढ लीजिए इसमें से, फिरोज शाह तुगलक, ये देख रहे गुलामों का बड़ा शौकीन था। आगे बढ़े, अलाउद दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की संस्थापक ए बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था और भारत में तुर्क राज्य की सत्ता को समाप्त करके बहलोल लोदी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी किया था, याद रखिए। आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में आगरा की स्थापना करके अपनी राजधानी बना लिया था, इसमें क्या दिख रहा, सिकंदर लोदी, ये देखिए सिकंदर लोदी ए आगरा की स्थापना 1504 में किया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे दिख रहा, अमीर-ए-कोही नामक विभाग सुल्तान द्वारा अमीर-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक का स्थापना किया था। देखिए कहीं दिख रहा है इसमें मोहम्मद बिन किस, ये पहले तो उत्तर ले लीजिए, पहले तो उत्तर लो आप कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये उत्तर है। कृषि में विकास के लिए, एग्रीकल्चर में विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना, किंतु इस विभाग के कर्मचारी भ्रष्ट निकले, अंत में इस विभाग को मोहम्मद बिन तुगलक बंद करा दिया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना। आगे बढ़े, अगला, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा नहीं दारुल सफा होना चाहिए, दारुल देख रहे हैं, दारुल सफा, देखिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना कराया था। दीवाने खैरात नामक विभाग से दवाएं मुफ्त में बांटी जाती हैं, उसी दीवाने खैरात को क्या कहा गया था, दारुल सफा, देख रहे हैं? ये देख रहे इसमें कहां दिख रहा है, इसमें आपको इसमें ये देखे दिख रहा है ना, एक खैराती अस्पताल यही है, खैराती अस्पताल ही है यहाँ का, देख रहे कि ये है। आगे बढ़े, अगला, चलिए 25 नंबर है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, फिर आगे हम मिलते हैं आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।